अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एके क्रोशे। आज हम हुडी काउल बनाना सीखेंगे और इसमें जो है मैंने नाको विजन वूल यूज़ किया है जो कि टर्किश यार्न है। इसके साथ 4 mm हुक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम जो है हुडी काउल है विद केप, इसको जो है हम 3 parts में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका काउल बनाएंगे जो कि नेक का पार्ट होता है, देन फिर इसके बाद हम हुडी बनाएंगे और लास्ट एंड द 3rd part में हम जो है शोल्डर के अराउंड जो केप होता है वो बनाएंगे, लेकिन उसकी लेंथ जो है हम शॉर्ट रखेंगे। तो सबसे पहले हमने चेन्स लिए और उसको जो है ना फिर हमने अपने राउंड हेड सर्कमफेरेंस के मुताबिक चेन्स लेके हमने और इसको हमने क्लोज कर दिया स्लिप स्टिच से। ध्यान रहे चेन्स टर्न नहीं हो, फ्लिप नहीं हो। फिर हमने चेन 3 करके काउंट एज अ फर्स्ट DC और इन चेन्स में हम अपने DC बना रहे हैं, डबल क्रोशे बनाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी स्टिचेस ले रही हैं वो जैसे अपने हेड सर्कमफेरेंस के मुताबिक लें, ताकि जो है ये काउल जो है हम इजीली अपने नेक के थ्रू पुल इन कर सकें। ठीक है जी, देखें ये मैंने डबल क्रोशे का राउंड कर लिया है चेन स्टिच पे और अब मैं इसको स्लिप स्टिच करके और क्लोज कर दूँगी। अच्छा, इस ये काउल जो है आपकी उस पर है कि आप इस पर कौन से स्टिच से बना रही हैं। मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाया है, अब आपके ऊपर है ये कि आप इसको सिंपल DC से भी बना सकती हैं। तो मैंने 3 chains करके एज अ DC और अब मैं फ्रंट पोस्ट DC और बैक पोस्ट DC कर रही हूँ। देखें बैक पोस्ट DC, इसके लिए मैंने 4 mm हुक यूज़ किया है क्योंकि फ्रंट पोस्ट DC और बैक पोस्ट DC में स्टिच थोड़ी कंजस्टेड हो जाता है। फिर आपका जो प्रोजेक्ट जो है फ्रंट पोस्ट DC और बैक पोस्ट DC में स्ट्रेच तो हो जाता है लेकिन थोड़ा श्रिंक हो जाता है। तो फिर हम इसके लिए थोड़ा बड़ा हुक यूज़ करेंगे हमेशा फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट DC के लिए। तो अभी हमारा 1st part चल रहा है हुडी काउल का। तो अब हम जो है इसी तरह से जो है ये राउंड्स बनाएंगे। हम फर्स्ट राउंड बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट DC का। ये देखें तकरीबन ये मेरा 11 इंचेस तक ये मेरा जा रहा है जो है हेड सर्कमफेरेंस। तो और ये स्ट्रेच होके और ज़्यादा इसमें आ जाएगी वेथ। ठीक है, ये मैं इसको 8 inches तक इंक्रीज़ करूँगी इन राउंड्स को। ठीक है, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट DC बनाते रहेंगे हम 8 inches तक। फिर मैं आपको जो है इसको बना के शो करती हूँ कि जी इसको 8 inches तक हाइट देनी है हमें। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट DC को फॉलो करेंगे। आप 9 inches भी कर सकते हैं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है आप काउल को कितना कवर करना है अपने फेस को काउल से और फिर उसको फोल्ड कर दें। जी तो यार देखें ये हमने अपना काउल जो हम बना रहे थे इसको हमने कंप्लीट कर लिया है नेक काउल को। और अब हम इसकी मेजरमेंट चेक करते हैं। ये 8 inches ऑलमोस्ट इसकी मेजरमेंट्स हैं, देखें ऑलमोस्ट 8 inches है। अच्छा, ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट जिसकी इसलिए थोड़ा सा ये श्रिंक भी हो जाता है। और इसकी जो है मैंने विड्थ जो है 23 inches रखी थी अराउंड योर हेड, तो फिर उस पर मैंने इसको वर्क किया है। अब ये हमारा काउल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपसाइड डाउन कर देंगे और हम इधर से हमें ऊपर से काम करना है, लेकिन हम यहाँ से फ्रंट हो गई हमारा, लेकिन हम इसको बैक साइड पे ही रखेंगे। और अब हम यहाँ से नया अपना थ्रेड शुरू करेंगे और यहाँ से वर्क शुरू करेंगे। मैं आपको बताती हूँ। जी तो देखेंगे हम मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया हाफ चेन में, और फिर मैंने यहाँ से इसका ज्वाइन करके थ्रेड और चेन 3 किया और फिर अब मैं DC बना रही हूँ। अब हमें इस राउंड में ये ख्याल रखना है, इंक्रीज़ करना है हमें अपना ये राउंड। तो इसमें हमने अपनी स्टिचेस का काउंटिंग को दोबारा ध्यान रखना है। मैंने 90 चेन काउंट और स्पेस स्टिच बनाई है। ये DC 90 स्टिचेस हैं, मैं हर 9th स्टिच पे 2 DC करूँगी। ओके, तो इस तरह ये मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। आपकी जितनी आपने स्टिचेस बनाई हैं, अगर आपने 60 stitches पे ये बनाया है काउल तो आप 6 stitches पे 2 DC बनाएंगे। अगर आपने 70 stitches पे बनाया है, आप अपने हेड सर्कमफेरेंस के हिसाब से बनाएंगे स्टिचेस
तो उस अगर आपने 70 स्टिचेस लिए हैं तो आप 7 पे 2DC बनाएंगे, अगर आपने 80 लिए हैं तो आप 80 पे 2DC बनाएंगे, और मैंने 90 लिए हैं तो मैं 9th पे 2DC बनाऊंगी। आपने ख्याल रखना है बैक लूप पे आप DC ये रो करेंगी, और हर 9th स्टिच पे आप एक DC इंक्रीज करेंगे, यानी कि हर 9th स्टिच पे 2DC बनेंगे। 8 DC के बाद 9th पे 1 DC इंक्रीज होगा। ये मेरे चेन 3 है तो काउंट 1 DC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9th, 9th पे मैं 2 DC बनाऊंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखें, इसी तरह मैं इसको फॉलो करूंगी, और इसमें इसको राउंड को क्लोज नहीं करना, हमें बैक एंड फ्रॉथ हम लेके चलेंगे इस रो को। और अभी मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको गाइड करती हूँ। मैंने कंप्लीट कर लिया इंक्रीजिंग राउंड, अब हम जो है इसको क्लोज नहीं करेंगे और बैक एंड फ्रॉथ हम इसको राउंड को ये बनाएंगे, रोज में इंक्रीज करेंगे। और ये अब हमारा इंक्रीजिंग राउंड बनेगा, इंक्रीजिंग राउंड्स बनेंगे तकरीबन तकरीबन 8 इंचेस, तो 8 to 9 इंचेस ही हम इसकी रोज इंक्रीज करेंगे। ओनली फ्रंट एंड फर्स्ट एंड लास्ट DC, यानी कि हर फर्स्ट और लास्ट DC में हम 2 DC बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हर फर्स्ट और लास्ट स्टिच में अपनी। ये मैं चेन 3 करके इसको टर्न कर रही हूँ, और हम अब इसी पे, ये जो हमारा फर्स्ट DC था इस पे हम एक और DC बनाएंगे, ये हमारा डबल क्रोशे बनाएंगे, ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। ये देखें, ये मैंने फ्रंट पे 2 DC बना लिए। अच्छा, अब जो है हम दोनों लूप्स पे काम कर सकते हैं, सिर्फ हमें फर्स्ट रो पे ध्यान रखना था कि हमें फ्रंट लूप पे काम करना था, बैक लूप पे काम करना था। जी, तो अब हम इसको कैरी ऑन करेंगे ओनली सिंगल DC ऑल द वे राउंड, एंड इन द लास्ट वी विल मेक 2 DC इंक्रीज। सिंपल डबल क्रोशे हम बनाते जाएंगे, और ये राउंड्स हमें 8 to 9 इंचेस तक अपने राउंड्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपको 18 और 16 रोज जो है, आपने 16 और 18 रोज आपने इसकी DC की बनानी है। ओनली फ्रंट और फर्स्ट और लास्ट स्टिच में आपको 2 DC बनाने हैं, बाकी सेम सिंगल DC फॉलो करना है, डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, ये मैं आपको ये रो बना के और मैं इसको एंड में दिखाती हूँ। जी, तो देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी रो कंप्लीट कर ली है, इसके फ्रंट पे और फर्स्ट और ये जो लास्ट इसका ये स्टिचेस पे मैंने 2 DC इंक्रीज किए हैं। अब हम 8 to 9 इंचेस जो है इसको इंक्रीज करेंगे, रोज़ बनाएंगे, और फिर मैं आपको पार्ट 2 में इंशाल्लाह आगे गाइड करती हूँ। ये हम हुडी काउल बना रहे हैं, नेक वार्मर भी होता है, एज ए नेक वार्मर, एज ए हुडी, एज अ काउल, और ये आपको बहुत मज़े का ट्यूटोरियल मिलने वाला है। तो ज़रूर आप लोग पार्ट 2 और देखिएगा और इसको समझिएगा कि आगे मैंने किस तरह से बनाया है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।